तो इस वीडियो में हम देखेंगे प्रोडक्टिविटी के बारे में, उत्पादकता। तो उत्पादकता क्या होती है, दिस इज बेसिकली द रेशियो ऑफ आउटपुट इनटू इनपुट, है ना। तो हमें जो उत्पादन प्रक्रिया होती है, प्रोडक्शन प्रोसेस होता है, ठीक है। तो प्रोडक्शन प्रोसेस में क्या होता है कि हम कुछ ना कुछ इनपुट देते हैं और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग को कुछ आउटपुट मिलता है, ठीक है। तो इनपुट हम किस फॉर्म में देते हैं, है ना। इनपुट हमारे पास में होगा इनपुट इन टर्म्स ऑफ लेड, लेबर, रॉ मटेरियल, इंफॉर्मेशन, एनर्जी, ये सब क्या होते हैं, हमारे इनपुट्स होते हैं। और आउटपुट क्या मिलेगा हमको, मिलेगा प्रोडक्ट या फिर कोई सर्विसेज मिलेंगी, ठीक है। तो हम जो इनपुट लगाते हैं और हमको जो आउटपुट मिलता है, तो इनपुट के करस्पॉन्डिंग कितना आउटपुट मिलता है उस चीज को बताता है प्रोडक्टिविटी। और दूसरे से ये कह सकते हैं कि बेस्ट सिचुएशन ऑफ इनपुट टू प्रोड्यूस आउटपुट इज प्रोडक्टिविटी। तो हम जो इनपुट दे रहे हैं उसको कितना बेस्ट तरीके से यूटिलाइज हो पा रहे हैं उसी को हम उत्पादकता कहते हैं, प्रोडक्टिविटी। तो ये जो प्रोडक्टिविटी होती है ये बताता है कि कोई भी जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स है ना उसकी एफिशिएंसी कितनी है। बोल सकते हैं कि प्रोडक्टिविटी इज द एफिशिएंसी टू मेजर द प्रोडक्टिविटी ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। कोई सी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो एफिशिएंसी को कौन बताता है, आपकी उत्पादकता बताता है। हम जो इनपुट दे रहे हैं उसमें हमको कितना आउटपुट मिल पा रहा है, मतलब हम कितना बेस्ट तरीके से इनपुट को यूटिलाइज कर रहे हैं जिससे हमको आउटपुट मिल रहा है। तो इसी को जो प्रोडक्टिविटी का जो बेसिक फार्मूला ये है, तो ये इनपुट को हम कितना बेहतर तरीके से उपयोग करते हैं और हमको आउटपुट मिलता है, ठीक है, इसी को क्या कहेंगे, प्रोडक्टिविटी कहते हैं। तो कुछ जो फैक्टर्स होती हैं जो इसको प्रभावित करते हैं, तो किसी फर्म को प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छा होगा, वो अपने सारे इनपुट्स को आउटपुट में कन्वर्ट कर लेते हैं, और कुछ जो फैक्ट्री होंगे यूनिट्स होगा इसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं होगी, है ना। तो वो ज्यादा इनपुट लेके वो कम आउटपुट देते हैं। तो बहुत सारे जो चीजें होती है वो प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करती है किसी भी इंडस्ट्रियल यूनिट के। तो इसके जो कुछ हम जब देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग प्रोडक्टिविटी, तो इसको दो हम बांटे हैं, इंटरनल फैक्टर जिसका फॉर्म पे कंट्रोल होता है ना, और एक्सटर्नल फैक्टर जिसका फॉर्म पर कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसमें देखते हैं प्रोडक्ट फैक्टर, जिस वस्तु का निर्माण हो रहा है उसकी बात करते हैं। तो वस्तु क्या होती है, जिसकी कोई उपयोगिता होती है, जिसमें हमें देखते हैं किस हद तक हम कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाए हैं। अगर कस्टमर सेटिस्फाइड है इट मीन्स क्या है, हमारी प्रोडक्टिविटी अच्छी है, ठीक है। और हम ये देखते हैं कि उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो एक इंडस्ट्री के आउटपुट के थ्रू सेटिस्फाई हो रहा है नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हम ये चीज देखते हैं, तो प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ा सकते हैं, उसको सेम बेनिफिट दें, लेकिन कॉस्ट कितना लगेगा उसको लेस लगेगा, है ना। तो हम प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ा सकते हैं, बेनिफिट सेम दे रहे हैं लेकिन उसमें लागत को कम कर दें, या फिर हम क्या कर सकते हैं, बेनिफिट बढ़ा सकते हैं, बेनिफिट इंक्रीज एट सेम कॉस्ट। सेम कॉस्ट में बेनिफिट बढ़ा दिया तो दोनों तरीके से क्या किया, कस्टमर्स को डिलाइट कर सकते हैं, उनको हैप्पी कर सकते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो प्लांट एंड इक्विपमेंट भी क्या करते हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। तो प्लांट अगर प्रॉपर जगह पे लोकेटेड है, जैसे हमने इंडस्ट्रियल लोकलाइजेशन पढ़ा था, तो प्रॉपर जगह में लोकेटेड है तो वहां पे आपको कम कॉस्ट लगेगा, ठीक है। और अगर हमारा जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हमने यूज किया है ना, तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या करेगा, बल्क प्रोडक्शन करेगा, बल्क प्रोडक्शन करेगा, और जितने भी हमारे इनपुट्स होगा उसको प्रॉपर इंटरेक्शन करके हमको आउटपुट में कन्वर्ट करेगा। और यहाँ पे जो प्लांट इक्विपमेंट है वो खाली नहीं रहना चाहिए, है ना। अगर खाली रहेंगे तो क्या होगा, हमारे जो प्लांट हम अप्लाई कर रहे हैं, है ना, प्रोडक्शन प्रोसेस में, तो उसकी यूटिलिटी कम हो जाएगी, इसलिए आइडियल नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज किया जाना चाहिए। नेक्स्ट होता है टेक्नोलॉजी, ठीक है। यहाँ पे टेक्नोलॉजी का मतलब यहाँ पे क्या, फुल ऑटोमेशन होना चाहिए,
फुल ऑटोमेशन होने से क्या होगा, प्लांट के अच्छी का और अच्छे उससे उपयोग होगा। ठीक है, यहाँ पे मशीन लेने को लेटेस्ट मशीन लेना चाहिए, उनको लेटेस्ट प्लांट लगाना चाहिए, लेटेस्ट डिजाइन होना चाहिए, प्रॉपर लोकेशन अच्छा होना चाहिए प्लांट का, यही सब के बारे में अफेक्ट होता है प्रोडक्टिविटी का। टेक्नोलॉजी में फुल ऑटोमेशन होना चाहिए, है ना, फुल ऑटोमेशन से क्या होती है प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। तो टेक्नोलॉजी में फुल ऑटोमेशन होना चाहिए जिससे क्या होगा, टाइमली सप्लाई होगा प्रोडक्ट का, टाइमली बन जाएगा वो प्रोडक्ट, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल प्रॉपर होगा इसके थ्रू, और प्रॉपर प्लांट लेआउट होना चाहिए ना। तो यहाँ पे जो प्लांट लेआउट है ना, जो भी जहां से आपका रॉ मटेरियल इनपुट हो रहा है ना, कहां से आपका फिनिश प्रोडक्ट जाना चाहिए, तो ये जो इनपुट है मतलब ये जो लेआउट है ये क्या होना चाहिए आपका, प्रॉपर होना चाहिए, कोई भी बैक ट्रेसिंग नहीं होना चाहिए, तो हमेशा फॉरवर्ड ट्रेसिंग होना चाहिए। फॉरवर्ड ट्रेसिंग मतलब प्रोडक्ट आपका आगे बढ़ता रहे, है ना, आगे बढ़े फिर पीछे मुड़े फिर आगे बढ़ रहे, इसमें क्या होगा टाइम वेस्ट होता है ना। तो फुल ऑटोमेशन होना चाहिए, प्लांट लेआउट आपका एकदम सही होना चाहिए जिससे क्या होती है प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। ठीक है, जितने भी वेस्ट है वो रिड्यूस होना चाहिए, वेस्टेज नहीं होना चाहिए, और मटेरियल हैंडलिंग है वो इफिशियंट होना चाहिए। मटेरियल हैंडलिंग मतलब एक सामान है यहाँ से यहाँ जा रहा है फिर यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो यहाँ क्या हैंडलिंग इफिशियंट होना चाहिए और कम से कम डिस्टेंस कवर करना चाहिए, है ना, इट मीन जितना जरूरी है उतना ही डिस्टेंस कवर किया जाना चाहिए प्रोडक्ट के द्वारा या मशीन के द्वारा। तो इसी को बोलते हैं मटेरियल हैंडलिंग, है ना, जो मटेरियल को हम हैंडल कर रहे हैं एक जगह दूसरी जगह ले जा रहे हैं तो इफिशियंट होना चाहिए। ठीक है, और प्रॉपर इंस्पेक्शन होना चाहिए, है ना, इसमें जो मशीन वगैरह में वेयर एंड टियर नहीं होना चाहिए, है ना, समय से पहले इसका मेंटेनेंस हो जाना चाहिए। तो ये सब क्या करती है, इफिशियंसी को प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करती है। मटेरियल एंड एनर्जी, तो जो मटेरियल यूज कर रहे हैं ना वो क्या होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, प्रॉपर इन द सेंस जिस प्रोडक्ट के लिए हम उत्पादन करें उसी के हिसाब से हमारा मटेरियल होना चाहिए। ठीक है, और एनर्जी क्या होना चाहिए, कम से कम कंज्यूम किया जाना चाहिए। ठीक है, और जो प्रोडक्ट का राइट मटेरियल होना चाहिए, राइट क्वालिटी होना चाहिए। ठीक है, और जो भी स्टॉक है एक्सेस नहीं होना चाहिए, है ना, जितना हमको रिक्वायरमेंट है उतना ही हमको स्टॉक रखना चाहिए, और एनर्जी का एनर्जी को सेव कर किया जाए। तो इस प्रकार से हमारा एनर्जी सिस्टम होना चाहिए, इफिशियंट एनर्जी होना चाहिए, एनर्जी का कंजम्पशन ज्यादा होना चाहिए, एनर्जी का वेस्ट को कम किया जाना चाहिए। ठीक है, तो क्योंकि एनर्जी भी क्या है आपका फॉर्म ऑफ इनपुट है, वो इनपुट को हम क्या करेंगे इफेक्टिव यूटिलाइज करेंगे तो आउटपुट उसके अकॉर्डिंग मिलेगा, तो प्रोडक्टिविटी हमारी बढ़ेगी। ठीक है, तो जो एनर्जी है उसको प्रॉपर सही समय पर यूज करना चाहिए, उसका वेस्ट नहीं किया जाना चाहिए। नेक्स्ट आपका ह्यूमन फैक्टर, ह्यूमन फैक्टर भी प्रोडक्टिविटी के लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो ह्यूमन फैक्टर में मतलब वो जो व्यक्ति है वो ट्रेंड होना चाहिए, कैपेबल होना चाहिए, कॉम्पिटेंट होना चाहिए, वो वेल एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, तो उस वो व्यक्ति अगर ऑपरेट करेगा तो क्या होगा, हमारी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी। वर्क मेथड जिस मेथड से काम को किया जाना है उसको प्रॉपर एनालिसिस किया जाना चाहिए। ठीक है, और जिस काम को जो व्यक्ति सुटेबल कर सकता है ना उसी द्वारा उस काम को कराया जाना चाहिए। ठीक है, तो प्रॉपर वर्क स्टडी किया जाना चाहिए, है ना। वर्क स्टडी क्या होता है कि हम वर्क पूरा स्मॉल पार्ट बांट देते हैं, पूरा स्टडी करते हैं कितने कम समय में इस काम को इफेक्टिवली किया जा सकता है, कितने बेस्ट तरीके से इस काम को परफॉर्म किया जा सकता है। ठीक है, और तो हमारे पास बहुत सारे इसी काम को करने के बहुत सारे मेथड होते हैं, जो बेस्ट मेथड होता है उसका सिलेक्शन किया जाना चाहिए जिससे क्या होगा हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। मैनेजमेंट स्टाइल हमारे क्या होता है, अलग अलग मैनेजमेंट स्टाइल होता है। ठीक है, कोई जो मैनेजर होते हैं वो क्वालिटी कॉन्शियस होते हैं, क्वालिटी ज्यादा ध्यान देते हैं, और कुछ जो लोग होते हैं वो वहाँ के ह्यूमन फैक्टर को ज्यादा ध्यान देते हैं। तो देखना चाहिए मैनेजमेंट स्टाइल किस प्रकार का है, है ना, मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर कैसा है, डिसीजन मेकिंग किस प्रकार होती है, तो ये भी क्या करता है प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करता है। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे ह्यूमन को एज ए इनपुट ले रहे हैं, है ना, तो इनका प्रॉपर इंटरेक्शन होना चाहिए। तो अगर प्रॉपर डिसीजन मेकिंग होगी, है ना, सही टाइम पे सही काम होगा तो इफिशियंसी बढ़ती है। ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग सही होना चाहिए, और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, समय के हिसाब से उसको परिवर्तन किया जा सके, ना पॉलिसीज है प्रोसीजर है वो क्या होना चाहिए एज पर लेटेस्ट इन्वायरमेंट होना चाहिए, जो पॉलिसी है इन्वायरमेंट है ना, तो ये सब समय के हिसाब से परिवर्तन होना चाहिए, है ना, तब क्या होगा हमारी प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी। तो ये प्रोडक्टिविटी को ऐसा चीजें क्या करती है, प्रभावित करती है, ये क्या है इंटरनल फैक्टर्स, इसको हम परिवर्तन कर सकते हैं, इसमें चेंजेस कर सकते हैं, ये ऑपरेशन के हाथ में होता है, विद इन द कंट्रोल ऑफ ऑपरेशन होता है। नेक्स्ट आपका एक्सटर्नल फैक्टर्स, इसको हम चेंज कर सकते हैं, इस स्ट्रक्चर चेंजेस, इस अर्थव्यवस्था में क्या होता है परिवर्तन होता है, तो परिवर्तन में हम रोक नहीं सकते हैं, है ना, जैसे पहले हमारा जो इकोनॉमी था वो कृषि बेस्ड था, फिर इंडस्ट्री बेस्ड हुआ, सर्विस बेस्ड हुआ, तो उसमें जब चेंजेस होते हैं उसके हिसाब से हमको भी चेंजेस करना चाहिए।
नेचुरल रिसोर्सेज ना, किसी जगह पे रॉ मटेरियल पहले उपलब्ध था और वहां पे उपलब्ध नहीं है, ठीक है। क्वालिटी ऑफ लैंड बोल सकते हैं, क्लाइमेट कंडीशन, तो ये सब क्या होता है। तो एक जगह रॉ मटेरियल था तो वहां पे इंडस्ट्री लगा, लेकिन हम खत्म होता हमको तो शिफ्ट करना पड़ेगा है, या फिर उसको ट्रांसपोर्ट करके मारना पड़ेगा। तो नेचुरल जो रिसोर्सेज होती है, क्लाइमेट है, तो इसमें जो चेंजेस थे उसके अकॉर्डिंग हमको चेंज करना पड़ता है, ठीक है। तो ये आपको क्या कर सकता है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है। गवर्नमेंट पॉलिसी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, तो जो गवर्नमेंट पॉलिसीज होती है, फिजिकल पॉलिसी हो गया है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब आपका ट्रांसपोर्टेशन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है। तो ये सब गवर्नमेंट इसको तैयार करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट पॉलिसीज, तो उसके हिसाब से भी हमको उत्पादन करना चाहिए ना, जो जिस वस्तु के उत्पादन में गवर्नमेंट सपोर्ट करती है उसका उत्पादन करना चाहिए हमको, ठीक है। तो ये क्या करती है, प्रोडक्टिविटी को आपको प्रभावित करती है, इंक्रीज या डिक्रीज करती है। तो अब हम देखते हैं कि हम प्रोडक्टिविटी कैसे इंप्रूव कर सकते हैं ना, वी हैव सेवरल वेज टू इंप्रूव द प्रोडक्टिविटी। तो पहला तरीका मशीन, जितने भी मैनुअल वर्क होती है उसको मशीन के थ्रू उस काम को करवाया जाना चाहिए, है ना, मतलब ऑटोमेशन होना चाहिए। ऑटोमेशन से क्या होती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। तो आजकल देख रहे हैं कि जितने भी कार्स वगैरह होते हैं, है ना, वो आदमी उसको फिट नहीं करते, तो सारे रोबोट्स क्या करते हैं, उसको फिट करते हैं। इससे जो कार फैक्ट्री है उनकी जो इफिशियंसी वो बढ़ चुकी है, इफिशियंसी मींस प्रोडक्टिविटी। मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट को बेटर प्लानिंग और कंट्रोल करना चाहिए, है ना, वर्कर्स को मोटिवेट करना चाहिए, जिससे क्या होगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो प्रॉपर प्लानिंग ही बेस होता है एक किसी संगठन का, और उसके बाद उसमें प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, प्रॉपर और नियंत्रण भी होना चाहिए। तो मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, सपोर्टिव होना चाहिए, है ना, अपने मेन फोर्स जो जितनी एम्प्लॉइज होती है उनको वो सपोर्ट करे, वर्क फोर्स को प्रॉपर सपोर्ट करे। नेक्स्ट है प्रोसेस, तो प्रोसेस क्या होना चाहिए, पूरा कंप्यूटराइज होना चाहिए, है ना, MIS का उपयोग किया जाना चाहिए, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम। तो इसमें क्या होता है, जो सारा डाटा होता है वो एक कंप्यूटराइज होता है, और जो भी इन्फॉर्मेशन को जरूरत पड़ेगी डिसीजन मेकिंग के लिए वो तुरंत मिल जाता है, ये सब आपको प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा। ये वर्क डिजाइन, तो वर्क डिजाइन क्या होता है, जो हम काम को किस प्रकार से करते हैं, है ना, किस प्रकार से किया जाना चाहिए, वो होता है वर्क डिजाइन, है ना, मतलब जो एम्प्लॉय होता है और ऑर्गेनाइजेशन के रिक्वायरमेंट है, तो एम्प्लॉय उस प्रकार होना चाहिए जो जिससे संगठन का जो काम है वो हो सके, है ना। तो संगठन का जो काम है और काम करने वाले प्रॉपर मैचिंग होना चाहिए, उसी को बोलते हैं वर्क डिजाइन। तो वर्क डिजाइन प्रॉपर होना चाहिए, है ना। तो अगर सही व्यक्ति को हम चयन करेंगे और काम को सही तरीके से विभाजित करेंगे तो क्या होता है, इसमें प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। प्रॉपर ट्रेनिंग होना चाहिए, ठीक है, सारे जो मेथड्स हैं वर्क मेथड वो भी अच्छे होना चाहिए, उसमें इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। तो है ना, जॉब आपको क्या होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए और उस जॉब के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए, है ना। तो ये हो जाएगा आपको वर्क डिजाइन। वर्क इन्वायरमेंट, तो कर्मचारी जहाँ पे काम कर रहे हैं उनका इन्वायरमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है, प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, लाइटिंग होना चाहिए, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट पे काम किया जाना चाहिए। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट मतलब हर पार्ट में हम देखेंगे कहाँ से कैसे हम उसकी क्वालिटी को और इंक्रीज कर सकते हैं ना। तो TQM यहाँ पे होना चाहिए, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट होना चाहिए। एंड जो प्रोग्राम है हमको वेरियस प्रोग्राम के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हैं। क्वालिटी सर्कल है, क्वालिटी सर्कल जो कॉन्सेप्ट है जापान से आया था, जिसमें क्या होते हैं कि वॉलंटरी कोई भी जो एम्प्लॉय है ना वो इसका हिस्सा बनता है, और उसके बाद वो ऑर्गेनाइजेशन के इम्प्रूवमेंट में, प्रोडक्शन के इम्प्रूवमेंट में, सेल्फ इम्प्रूवमेंट में वो सजेशन देता है, इससे उसमें खुद इम्प्रूवमेंट होता है और ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रोसेस है, टेक्नोलॉजी है, उसमें वो इन्वेस्टमेंट करता है ना। और ये जो क्वालिटी सर्कल होता है इसको जो टॉप मैनेजमेंट है उसको सपोर्ट करती है, ठीक है। तो ये ऐसा क्वालिटी सर्कल क्या होता है, एक ऐसा समूह होता है जहाँ पे कर्मचारी वॉलंटरी आके ज्वाइन करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के इम्प्रूवमेंट के लिए या फिर सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए वो काम करते हैं। इस प्रकार के एक्टिविटी होना चाहिए, सजेशन स्कीम होना चाहिए, जो अच्छा सजेशन को रिवॉर्ड भी दिया जाना चाहिए, इंसेंटिव सिस्टम होना चाहिए, जो ज्यादा काम करेगा अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करेगा, प्रोडक्टिविटी जिसके बाद इंक्रीज होगी, उन सबको इंसेंटिव दिया जाना चाहिए। और जो पे रिवाइज, जो पे स्केल है या फिर प्रोसेस को रिवाइज किया जाना चाहिए, टाइम टू टाइम पे चेंजेस होना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेटजी, तो जस्ट इन टाइम होता है जिसमें लोग वेरियस जो वेस्ट होते हैं उसको डिक्रीज करते हैं, वो होता है जस्ट इन टाइम, ठीक है। तो जितने भी वेस्टेज है तो कहीं भी वेस्टेज नहीं होना चाहिए, तो इसको एडॉप्ट किया जाना चाहिए जस्ट इन टाइम को।
और स्टॉकलेस प्रोडक्शन स्ट्रेटजी होता है जिसमें मिनिमम से मिनिमम स्टॉक रखा जाता है जिससे जो स्टॉक को वेस्ट ले जाते हैं। और एक्सटर्नल एनवायरमेंट, तो हमको ऐसा जगह में प्रोडक्शन सिस्टम को लगाना चाहिए जहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, है ना, जहाँ पे गवर्नमेंट सपोर्ट करे, और हम इवन फॉरेन में भी क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन यूनिट लगा सकते हैं, क्योंकि अभी का जो टाइम आपको ग्लोबलाइजेशन का है, ओपन मार्केट इकोनॉमी है, तो जहाँ पे भी हमको संसाधन कम रेट में मिल रहे हैं, जहाँ गवर्नमेंट सपोर्टिव है ना, तो वहाँ पे हमको क्या करना चाहिए, अपने प्रोडक्शन यूनिट लगाना चाहिए, जिससे क्या होगा कि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होगा और हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, ठीक है, टैक्स का बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अच्छी होगी, अच्छा गवर्नमेंट पूरा सपोर्ट करेगी, तो इससे क्या होगा कि हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। ये सब तरीके जिससे हम प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।